बॉलीवुड में शादियों का सिलसिला कुछ इस तरह से शुरू हुआ है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। साल की शुरुआत में पहले तो अनुष्का शर्मा ने अपने लाखों फैंस का दिल तोड़ डाला, उसके बाद सोनम कपूर, दीपिका पादुकोण और अब 18 तारीख को प्रियंका चोपड़ा ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके बता दिया कि निक की होने जा रही हैं हमारी देसी गर्ल। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और हॉलीवुड सिंगर निक ने 18 अगस्त को भारत में सगाई की और इसके साथ ही अपने ऑफिशियल रिलेशनशिप पर मुहर लगा दी है। सगाई के बाद प्रियंका और निक की शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई और साथ ही साथ इंग्लिश बाबू देसी मेम वाली शादी की गेस्ट लिस्ट पर काम शुरू हो गया है। इस गेस्ट लिस्ट में सलमान खान, शाहरुख खान और द रॉक जैसे नाम शामिल हैं। सबसे बड़ा नाम जो इस शाही मेहमान की लिस्ट में नजर आ रहा है वो है मेगन मार्कल और प्रिंस हैरी का। प्रियंका और मेगन मार्कल काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। पिछले दिनों मेगन मार्कल और प्रिंस हैरी की शादी में प्रियंका शामिल भी हुई थी। अब इस शाही जोड़े की प्रियंका और निक की शादी में शामिल होने की बातें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ सलमान खान और अक्षय कुमार के सितारे बुलंदियों पर चढ़े हुए हैं। खबर है कि फोर्ब्स द्वारा बुधवार को जारी की गई दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले कलाकारों की फहरिस्त में टॉप 10 की अगर बात करें तो सुपरस्टार सलमान खान और अक्षय कुमार ने जगह बना ली है। आमतौर पर इस लिस्ट में शामिल रहने वाले एक्टर शाहरुख खान इस बार इस लिस्ट में कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत ने नई फिल्म साइन कर दी है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि फिल्म निर्माता अश्विनी अय्यर तिवारी की आने वाली फिल्म पंगा में कंगना रनौत, नीना गुप्ता और जस्सी गिल जैसे अभिनेताओं के साथ काम करने जा रही हैं। फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले बनने जा रही इस फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो एक साथ हंसता है, रोता है, सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए साथ खड़ा भी रहता है। अब फिर बात प्रियंका चोपड़ा की करनी पड़ेगी क्योंकि ये हफ्ता तो प्रियंका के नाम ही रहा। आपको बता दें कि कई दिनों से तलाश हो रही है ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्म क्रिश 4 की एक्ट्रेस की, और ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो क्रिश 4 में ऋतिक रोशन के साथ एक बार फिर हमारी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की जोड़ी फाइनल होने जा रही है। प्रियंका ने फिल्म के लिए हामी भर दी है और जल्द ही फिल्म की स्टार कास्ट की ऑफिशियल घोषणा भी कर दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर फिल्म भारत छोड़ने पर प्रियंका की सलमान से नाराजगी वाली खबरों को डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि प्रियंका मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है और उनसे मैं नाराज नहीं हो सकता। जफर ने कहा कि प्रियंका ने मुझे कुछ बेहद ज़रूरी वजह बताई थी जिसके बाद मैं उन्हें ना नहीं कर सका, क्योंकि जो इंडस्ट्री का हिस्सा है उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ का भी ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। आने वाली फिल्म सुई धागा मेड इन इंडिया में दर्जी की भूमिका निभा रहे अभिनेता वरुण धवन ने कहा है कि फिल्म में अपने किरदार को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने 3 महीने तक सिलाई सीखी थी। जी हाँ, वरुण ने कहा कि मुझे पता था मेरे पास जिम्मेदारी है और मुझे लोगों को विश्वास दिलाना था कि मैं असली वाला मास्टर जी हूँ। केरल में बाढ़ त्रासदी से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। राहत कोष में तो कई सेलिब्रिटीज ने दान दिया है, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा बॉलीवुड कपल सामने आया है जिन्होंने बाढ़ पीड़ितों के अलावा वहां फंसे जानवरों की भी चिंता जताई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की। सूत्रों का कहना है कि विराट और अनुष्का ने एक ट्रक स्पॉन्सर किया है जो वहां फंसे जानवरों के लिए खाना और दवाइयाँ पहुँचाएगा। दोनों केरल के एक लोकल एनजीओ के साथ भी संपर्क में हैं। अक्षय कुमार के साथ यशराज फिल्म्स एक पीरियड ड्रामा बनाने जा रहा है। इसे चंद्र प्रकाश द्विवेदी निर्देशित करेंगे और पृथ्वीराज चौहान की भूमिका अक्षय कुमार खुद अदा करेंगे। पृथ्वीराज की बहादुरी के किस्से सभी ने सुने होंगे और बड़े पर्दे पर इन्हें दिखाना बहुत ही रोचक रहेगा। वैसे अक्षय कुमार इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे। यह फिल्म एक्चुअल में पहले सनी देओल को ऑफर की जा रही थी, जिसका खुलासा खुद सनी ने एक फिल्म की मैगजीन से बात करते हुए बताया। अब मलाइका अरोड़ा खान जल्द ही विशाल भारद्वाज की पटाखा के आइटम सॉन्ग में नजर आएंगी। फिल्म का गाना हेलो हेलो गुलजार ने लिखा है और रेखा भारद्वाज ने इसे गाया है, जिसकी कोरियोग्राफी गणेश आचार्य ने की है। बॉलीवुड की सारी अपडेट तो आपको मिल गई। अब गेस्ट लिस्ट का इंतजार है कि मेगन मार्कल और
प्रिंस हैरी एक्चुअल में प्रियंका की शादी में शामिल होंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ, देश विदेश की तमाम जानकारी आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स यानी कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करना ना भूलें।